जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी हैं एम्स में और आज मैं आपको अपडेट दूंगा भोपाल मेट्रो का फ्रॉम एम्स टू रानी कमलावती नाका। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि गर्डर डालने के सारे कार्य ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन स्टेशन बनने का काम चालू नहीं हुआ था। अब देखिए, एम्स स्टेशन बनने का कार्य को आवंटित कर चुके हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेट्रो रेक्स के भी टेंडर हो चुके हैं और स्टेशन बनाने का कार्य और ओएचई डालने का कार्य का टेंडर भी फाइनलाइज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये तो करीब 6 महीने से ही बनकर तैयार है। स्टेशन बनने का काम भी जो है, लेटेस्ट अपडेट आज आपको मैं दे रहा हूँ 29 सितंबर 2022 की। पहला स्टेशन जो था एम्स स्टेशन का निर्माण कार्य चालू हो गया है। गड्ढा कोर के उसका फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है। अब धीमे धीमे ओएचई डालने का भी कार्य शीघ्र चालू किया जाना होगा। ओएचई एवं परमानेंट वे, पी वे, जो परमानेंट पाथवे होता है रेल का, वो डालने का कार्य भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है अगले साल। जैसा भी आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव से पहले यहाँ के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा है कि उससे पहले इस प्रोजेक्ट को कमीशन करके कंप्लीटली तैयार करना है। तो चुनाव में करीब 1 साल रह गया है अभी, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल में जो है ये तैयार हो जाए।